मैं हूँ अलका जायसवाल और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। हमारे घर में हमारे अलावा कई छोटे मोटे जीव रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके होने से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके होने से हमारा घर गंदा होता है और फिर वो किसी बीमारी का कारण बन जाते हैं। मकड़ी एक ऐसा ही कीट है जो घर की दीवारों, कोनों और अंधेरी जगह पर जाला बुनता है। आमतौर पर ये मकड़ियाँ लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन इनसे गंदगी होती है। वैसे तो इन मकड़ियों को दूर रखने के लिए कई तरह के कीटनाशक हैं। कभी कभी ये कीटनाशक हमारी हेल्थ पर काफी बुरा असर डालते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि मकड़ियों को घरेलू तरीके से अपनाकर आप कैसे इन्हें बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो मकड़ी के सारे जाले साफ कर दीजिए। ध्यान से सबसे पहले घर के बाहर के जाले साफ कीजिए, क्योंकि ज्यादातर मकड़ियां घर के बाहर ही अपना जाला बुनती हैं। दीवारों के कोने उनके रहने की सबसे उपयुक्त जगह होती है। ये सबसे आसान उपाय है। कोशिश कीजिए कि आप घर में सफाई के दौरान एक बार दीवारें और छिपे हुए कोनों को अच्छी तरह से देखकर साफ कर ले। ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके घर की कोई दीवार टूटी फूटी ना हो और ना ही उसमें दरारें हों। ऐसी ही जगह पर मकड़ियां सबसे ज्यादा पनपती हैं। अगर दरारें हैं तो उसे तुरंत भर दें। विनेगर कई सारे कीटों को मारता है, लेकिन मानव स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं डालता। आप चाहे तो विनेगर को एक कपड़े में डुबोकर उन जगह पर रख दें जहां मकड़ियां होने की संभावना अधिक होती है। बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से भी मकड़ियां भाग जाती हैं। मकड़ियों को इनकी गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बेकिंग सोडा के पास से भाग जाती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।